What is up YouTube family, छोटी सी फैमिली 73 सब्सक्राइबर्स, थैंक्स अ लॉट, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। और थोड़े से बढ़ा दो, बहुत अच्छा लगेगा। लाइक एक सब्सक्राइबर, एक लाइक, एक कमेंट, मेरे फेस पे इतनी बड़ी स्माइल रहती है। एक्चुअली ये ज़्यादा लाइक बहुत कम बता दिया मैंने इतना। अभी रास्ता ख़राब है, एक सेकंड में बताता हूँ कितनी बड़ी स्माइल लाती है। इतनी बड़ी स्माइल लाती है, इतनी बड़ी मेरे फेस पे। तुम्हारा एक सब्सक्राइब कर देना, थैंक्स अ लॉट यार। सारे अपने दोस्त भाई, थैंक्स अ लॉट जो व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं एंड अपने अपने स्टोरीज में डाल रहे हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स अ लॉट, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। सो आज मैं जा रहा हूँ पता नहीं कहाँ पर, क्योंकि टोटली अनप्लान्ड जर्नी है। पूरा कुछ प्लान नहीं किया था कि हाँ भाई सैटरडे को जाना है, ये वो कुछ नहीं। बस उठा, लेट सो के उठा, कल रात तक काम किया, फिर लेट सो के उठा। तो फिर सोचा कि चलो यार अभी बहुत बोर सा लग रहा है और बहुत दिन से कहीं गया नहीं था। लाइक एक वीक से मैं कमरे से बाहर नहीं निकला हूँ मेरे। एक वीक से मैंने केबी को टच भी नहीं किया था, बहुत दिन से इसको देखा भी नहीं था। तो सोचा व्हाई नॉट टुडे। तो आज निकल पड़े हैं एंड देखा है कहीं आसपास कहाँ जाए। तो देखते भी कहाँ पहुँचते हैं। रास्ता उतना अच्छा है नहीं, गांव से होते हुए जा रहा है। सो ये रोड थोड़ा अच्छा लगा है। ओह बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, मस्त। बहुत दिन से यार घर में कैद लग रहा था, आज फ्री हुए हैं। ये बड़ा प्यारा लग रहा है। यहाँ पर रिटर्न आते टाइम पे एक फ़ोटो ज़रूर खिंचवा। मेरा ऐसा, मैं कहीं जाता हूँ ना तो जाते टाइम पे मैं कहीं रुकता नहीं हूँ। फोटोज़ क्लिक करने जाते टाइम पे कहीं रुकता नहीं हूँ। रिटर्न आते टाइम पे जितना करना है कर लो, बट जाते टाइम पे नहीं। वो मज़ा ख़राब हो जाता है यार। फिर जो कॉन्टीन्यूटी होती है ना सीधी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक निकलने की, वो कहीं इंटरप्ट हो जाती है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। सो दैट्स व्हाई मैं एक बार निकल गया तो निकल गया। लेकिन यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ आएगी। इसमें ना धूप पड़ रही है। यहाँ पे मैंने पाउच लिया है, एक लाइक टैंक बैग टाइप का है, तो इसमें फ़ोन डाला है। तो उस पर धूप पड़ रही है, तो उस पर दिख नहीं रहा है कुछ मेरे को, तो इसलिए ऐसा हाथ लगा के देख रहा हूँ बार बार। रोड थोड़े ख़राब है, वो पैच बस थोड़ा अच्छा था। और पूरा गाँव वाव से होते हुए जा रहा है। आई लाइक इट। पता नहीं मेरे को गाँव से ना पर्सनली बहुत ज़्यादा लगाव है। ऐसा लगता है कि गाँव में ही रहो। देखते हैं फ्यूचर में अब क्या सीन बनता है। तो लाइक जब मैं जहाँ पढ़ने गया हूँ, लाइक मैं भोपाल गया हूँ, इंदौर गया हूँ, और मेरी कोशिश यही रही थी कि मैं सिटी के आउटसाइड कहीं रूम ढूंढूँ, है ना। मेरे को पसंद ही नहीं आता सिटी में रहना यार। आई डोंट नो व्हाई। एकदम गांव में शांति होती है एंड लोग बहुत प्यारे होते हैं, आई बिलीव। ठीक है, ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ मैं कि शहर के लोग ऐसे, गाँव के लोग ऐसे, बट आई बिलीव कि लाइक आई लव पर्सनली गाँव के लोग, दैट्स इट। नॉट, आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीवन। सो वी हैव टू टेक अ राइट टर्न, शार्प राइट टर्न फ्रॉम ओवर देयर। जब डेस्टिनेशन एकदम नज़दीक आ जाएगी ना, तब बताऊँगा कहाँ पहुँचे अपन। ऑब्वियसली मैप लगाया तो कहीं ना कहीं तो जा ही रहा होगा ना। टाटा मोटर्स, ये कहाँ पहुँच गए बाबू हम, गांव से एकदम टाटा मोटर्स के दरवाजे पे। ये गूगल मैप्स ना बहुत ही बड़ा वाला है, समझ जाओ क्या है, बहुत बड़ा वाला। सीधा कोई हाईवे अगर वहाँ जा रहा होगा ना, वो नहीं दिखाएगा। ये गड्ढे वाले रस्तों से लेके आएगा एंड लाके फिर वापस से उसी हाईवे पे जोड़ देगा। मेरे को तो लग रहा है कि ये वैसा ही कर रहा है, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं और रास्ते में तो कोई दिखा नहीं इतना। चलो देखते हैं एनीवेज कहाँ पर निकलते। तो ये भी अलग एक्सपीरियंस है गूगल मैप्स का। गूगल मैप्स, और मैंने आज एक ही लाइक गोप्रो की बैटरी एक ही लाई है, दूसरी मैं चार्ज नहीं कर पाया। एज आई टोल्ड, दिस इज़ टोटली अनप्लान्ड ट्रिप। सो लास्ट एक आवर में ही सब कुछ प्लान किया कि चलो निकलते हैं। एंड प्लान कैसे किया वो भी बता दो, उसकी भी एक अलग स्टोरी है। लोग पहले प्लान करते हैं कि कहाँ जाना है, ठीक है, उसके बाद राइड के लिए प्रिपेयर करते हैं। मेरा ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले उठा, पहले मैंने नी गार्ड पहन लिया, ग्लव्स डाल लिया एक हाथ में, हेलमेट का सेटअप कर लिया, और उसके बाद सोचा कि जाना कहाँ है। क्या होता है ना कि कभी कभी नहीं होता यार मूड कहीं जाने का। लाइक डेस्टिनेशन दूर है, रास्ता खराब है, मैप पे देख लिया तो यार क्या जाओ, ऐसा कुछ आ जाता है मन में। सो वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन पहले से ही रेडी होके बैठ जाते। बस एक बार अटायर में आ गए ना राइडर वाले, एक बार हेलमेट पहन लिया तो भाई बंदा ही चेंज होगा पूरा अंदर से, ये समझो। तो आई थिंक दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ अ राइडर। वो रियल लाइफ में कुछ और रहता है, जब वो एक बार हेलमेट डाल लेता है और अपनी बाइक पे बैठ जाता है तो भाई बंदा ही अलग होता है। राइडिंग इज अ लाइक, क्या बोलूँ भाई, ये एक आर्ट है, आर्ट है, आर्ट है। एकदम ऐसा खून में होता है राइडिंग, एकदम अंदर से आती है, दिल से आती है भाई। जो राइडर्स है वही समझ सकते हैं, बाकी तो भाई फिर क्या ही बोलूँ मैं, बाकियों को नहीं बोल सकते कुछ। अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। अच्छा लग रहा है ये रोड, बड़ा प्यारा लग रहा है अभी, पहले मज़ा नहीं आ रहा था, अब बड़ा अच्छा लग रहा है। कर्व्स आ रहे हैं, बीच बीच में गड्ढे भी आ जा रहे हैं। हाईवे पे सीधा सीधा भगाने से अच्छा यहाँ पे थोड़ा खराब है बीच बीच में। शिवने के आसपास पहुँच गए हम लोग कहीं पे। शिवने एक गांव का नाम है, एंड देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। तब तक के बने रहिए मिस्टर एमडब्ल्यू के साथ। और ये फूल इतने अच्छे लग रहे हैं ना कि मेरे को मन नहीं कर रहा कैमरा बंद करने का। और ये उगा वाले नहीं है, ये अपने आप उगे हैं, लाइक अपने आप ग्रो हुए। ऐसा DDLJ वाला फीलिंग आ रहा है एकदम ऐसा। इन फूलों का कहीं लाइक बंच मिल जाना एक खेत में, तो वहाँ जाके खड़े होकर हाथ फैला के ऐसा टांग आड़ी करके अपनी गाड़ी को प्रपोज करो वहाँ, अपनी बेबी को। माय बेबी एक कट होने वाला है। ओए सही जा रहे हैं। और तेरी की तो फ़ोन बंद हो गया। दिक्कत होती है यार ये। अच्छा खासा नेविगेशन चल रहा तो फ़ोन बंद हो गया। ओए होए आगे बादल दिख रहे हैं। पप्पा जी किधर की होया? चलो अपन सही जा रहे हैं आई थिंक। हाँ सही जा रहे हैं अपन, पहुंच जाएंगे 20-30 मिनट में। बचपन के दिन याद आ गए यार। बचपन मतलब टीनेज के दिन, जब वही 18-19 साल की उम्र होती है, तुम्हारे पास स्कूटी होती है ना, और तुम स्कूल में जाते हो, तुम्हारे अच्छे दोस्तों से बनती है। एंड तो फिर क्या होता था, हम लोग ट्यूशन करके, हम कुछ 4-5 दोस्त लोग हैं, अपनी अपनी बाइक उठाते थे, पेट्रोल भरवाते थे और निकल जाते थे ऐसे किसी गाँव वाले रास्ते में। मस्त, कहीं कोई डेस्टिनेशन का पता नहीं, हम लोग डायरेक्शन चूज करते थे, लाइक कि आज हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, आज हम इस डायरेक्शन में चलते हैं। वो था भाई प्योर एडवेंचर, प्योर मज़ा उसको बोलते हैं। कहीं पे भी निकल जाओ, कोई पता नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टेंशन भी नहीं थी यार उस टाइम पे। ये करना है, वो करना है, रूम पे जाके ये करना है, घर पे जाके ये करना है, वो करना है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। मस्त बिंदास आदमी थे भाई, बिंदास अभी भी है भाई। अपन नहीं बदलने वाले, अपन अभी भी बिंदास आदमी है। पहले भी बिंदास थे अपन, अभी भी है, अपन नहीं चेंज होने वाले। तो वही फीलिंग आ रही है आज, एग्जैक्टली सेम, बस दोस्त मिसिंग है। एंड अकेले घूमने का मज़ा भी अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मुझे अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। अकेले राइड करो, किसी की टेंशन नहीं कि कोई पीछे से आ रहा है, कोई गिर जाए या कुछ। मेरे को बड़ी टेंशन होती है, कोई मेरे साथ रहा तो उसको कुछ होना नहीं चाहिए, उसकी भी गलती से या मेरी भी गलती से, लाइक एक्सीडेंट ऐसा। मेरा ना बहुत उल्टा दिमाग चलता है इस मामलों में, इसलिए मैं अकेला राइड करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आई ट्रस्ट ऑन माई ओन राइडिंग स्किल्स, नॉट ऑन अदर्स। सो दिस इज द थिंग। एंड अभी कुछ कारें भी दिख रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अपन सही जा रहे हैं। आगे आता है पावना लेक, एंड पावना लेक इज़ फेमस फॉर कैंपिंग एज फार एज आई नो. So camping and some activities. So we are exactly going over there. तो देखते हैं अभी क्या है। कैंपिंग वगैरह करने का टाइम है नहीं अपने पास, ऑल्दो कर सकते हैं, लेकिन उतना मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ। वहाँ सब तो मिल जाएगा, बोलना स्नैक्स वैक्स सब मिल जाएगा, लेकिन कैंपिंग का मज़ा अकेले क्या ही लूँगा यार, कि कर लूँ। देखते हैं वहाँ जाके, अगर मूड बना तो मे बी कैंपिंग भी कर सकते हैं आज रात को, वहीं रुक के एक अलग एक्सपीरियंस लेंगे, है ना। देखेंगे कि हाउ इट फील्स टू बी इन अ टेंट, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट। वो करना है, लेकिन यहाँ नहीं सोचा मैंने। सोचा था कि वो किसी एकदम रैंडम लोकेशन पे जाके, यू नो, किसी एकदम रैंडम प्लेस पे टेंट वेंट लगा के करने का वो सोचा था। तो देखते हैं अभी। और ये गांव के बच्चों की गैंग, साइकिल गैंग, बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसा गाँव गाँव में आगे, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। गाँव का नाम है ठू गाँव। था में छोटी हुकी मात्रा है, ठीक है, कोई गलत मत कर देना, उसको बड़ी हुकी कर देंगे तो पूरा मतलब बदल जाएगा उसका। एक गाँव का नाम है ठू गाँव। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम अंदर से ऐसा गाँव वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है मैं अपने गाँव में पहुंच गया हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे न्यू हो इस चैनल पे तो मैं इंस्टाग्राम पे भी कुछ उटपटांग सी चीज़ें डालते रहता हूँ, तो एक बार जाके देखो, अगर तुमको पसंद आती है तो तुम वहाँ फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हो, मेरे को मैसेज करते हो पर्सनली कि यू आर डूइंग गुड, थैंक्स अ लॉट। मैं कभी कभी कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो सॉरी, क्योंकि मैं फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ किसी कंपनी में, तो मुझे वो काम भी करना पड़ता है, मैं अकेला रहता हूँ, सो मुझे बर्तन भी धोने पड़ते हैं, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा खाना है ना, सो बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, सो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। सैटरडे संडे का मिलता है, बट फिर उसमें तुम्हारा भाई राइड पे निकल जाता है। इट्स लाइक एन एस्केप फॉर मी। और ये मैंने क्या देख लिया, ये मैंने क्या देख लिया, लोग नहा रहे हैं, तो बारिश आने वाली, इधर फोटो शूट हो रहा है। अपन को भी अब फोटो मांगता है, इधर अपन भी फोटो खींचेगा अब। इधर चलो अपन गाड़ी पार्क करते हैं कि पहले आ जाए यार डेस्टिनेशन से, फिर फोटो खींचेंगे। चलो अपना रूल नहीं तोड़ने का कभी, डेस्टिनेशन से आते हैं फिर भले बारिश हो चाहे कुछ हो, यहाँ पे रुक के एक बार फोटो क्लिक करेंगे। चच्चा रुक जाओ, चच्चा रुक जाओ, चच्चा नहीं मान रहे, हम भी बड़े ढीठ है। पांडुरंग से है, पांडुरंग से पत्थर मारता, पत्थर मारने का सीन ये है यार, तुम सर्च करो यूट्यूब पे गोटमार मेला। लाइक मेरे सिटी में दो सिटी है, एक सावर गाँव है, एक पांडुरंग है, बीच में से एक नदी जाती है। तो पोला होता है, एक बैलों का त्यौहार होता है पोला, बैलों को पूजते हैं। एंड नेक्स्ट डे उसके सावर गाँव के लोग और पांडुरंग के लोग हैं, दोनों एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। या रियली आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट, बट स्टिल इट्स ऑन देयर, लाइक इट्स अ नोन थिंग, इट्स नॉट अननोन थिंग। You guys go check it out in YouTube, search गोटमार मेला पांडुरंग, you will get the videos। यप, लोगों की डेथ्स भी होती हैं, लोग इंजर्ड भी होते हैं, बट हर साल ये चीज़ चलती है। इवन लॉकडाउन में भी चली, लोगों ने बंद करवाया, सरकार ने बंद करवाया, बट फिर भी चली, क्योंकि वो प्रथा टाइप से लेते हैं उस चीज़ को, समझ रहे हो, लाइक उनके सेंटिमेंटल जुड़े भाई उस चीज़ से। उनके लिए प्रथा है एक बहुत पुरानी, जो चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुक जाएगी तो उनके घर पर पत्थर बरसेंगे, ओके, ये ऐसी मान्यता है। तो तुम लोग देख सकते हो, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, देख सकते हो। तो इसलिए एक टशन में बोल दिया मैंने कि पांडुरंग से हम पत्थर मारते हैं। ऐसे मारते नहीं है, ठीक है, कभी कोई दिखे तो मिल लियो, ऐसा मारूंगा नहीं, पत्थर उठा के पागल नहीं हूँ। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, आज फिर मैं टकरा गया, ऐसा बोला जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ ना, पुणे के आसपास माउंटेन्स से ज़रूर सामना हो रहा है। तीन चीज़ ज़रूर देखने को मिली है जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। एक वाटरफॉल, नहीं तीन नहीं, चार चीज़ें हो गई ना, एक वाटरफॉल हो गया, एक रिवर हो गई, एक माउंटेन हो गया, एंड एक लेक। ये चारों चीज़ें लाइक एकदम ऐसी भरपूर भरी पड़ी है यहाँ पे पुणे के आसपास। What the heck? I have to take the turn. I haven't seen it. My bad. इसके भी आगे जाने का अपन को, क्योंकि मैं ना देख रहा हूँ यार मैप, और मैप देखने के चक्कर में मैं इस गाड़ी में घुसना जाऊँ, इसलिए मेरे को आगे जाना है। अदरवाइज आई एम अ गुड राइडर, डोंट टेक इट अदरवाइज। एंड रास्ते तो वाह भाई वाह, लग रहा है मेरे को इसके पीछे ही चलना पड़ेगा। एक और छोटा सा ब्रिज और वहाँ पे लोग अपनी अपनी कार धो रहे हैं। पानी बड़ा साफ है। ओहो डैम, क्या हम पहुंच गए? नहीं, हम नहीं पहुंचे। वी आर ऑलमोस्ट देयर। काश पूरा रास्ता ऐसा रहता है यार, मजा आ जाता एकदम। गड्ढे, आउच 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 आउच। चलो, और ये आ गया छोटा सा घाट, छोटू सा घाट। रोड पे ना पूरी मुरुम गिरी पड़ी है यार, पूरा उखड़ा उखड़ा है, गाड़ी बहुत स्किड हो रही है। आई थिंक इस साइड लेक है, देखते हैं, होना तो चाहिए, और नहीं तो फिर भाई गूगल मैप्स को बहुत गंदी गाली पड़ने वाली है अगर नहीं हुआ इधर लेक तो। ये बोल रहा है तुम्हारी डेस्टिनेशन एंड हो गई है। हाँ, बच गया गूगल मैप्स, बच गया। Holy shit, it's a huge, huge lake. I didn't expected this huge, but it's a huge lake, man. Is it free? The parking is free, right? मॉर्निंग में आना था, अभी तो धूप बहुत हो गई है। चलो लेक दिखाते हैं अभी सीधा। Such a beautiful place to be यार, such a beautiful place to be. Unfortunately ये unplanned था तो बैटरी ख़त्म हो रही है, तो I won't be कंटिन्यू टू शूट फ्रॉम दिस गोप्रो। थोड़ा बहुत अंडर वाटर ट्राई किया, पता नहीं आया कि नहीं आया। पूरा गोप्रो पानी के अंदर डाल दिया, ऑल्दो इसका कवर नहीं लाया मैं, बट फिर भी डाल दिया। मज़ा आ रही है यार। लोग तो पूरे नहा के गए यार, लेकिन मेरे को नहीं होना है अभी गीला। बहुत ही प्यारा साफ पानी है, मस्त है। इतनी बड़ी बड़ी लहरें हैं ना। भाई बच्चे जैसा कर रहा हूँ मैं, लेकिन यार बनता है यार ऐसी जगह पे आके। यार तुम क्या ही कर लोगे। वो कितना प्यारा लग रहा है एकदम, ऐसा बीच में ट्रायंगल सा। बस यार यहीं पे ब्लॉग खत्म करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यार। ऐसे ही देखते रहो यार। तुम लोग नहीं जा पा रहे हो तो कोई टेंशन ना लो, मैं हूँ तुम्हारा भाई। यहाँ बैठा है पुणे में, तुमको सब कुछ दिखाएगा, डोंट वरी। तुम्हारा भाई का बहुत सारा टाइम पड़ा है। पहाड़ पे ना डेफिनेटली ट्रैकिंग होती होगी, क्योंकि यहाँ से एक छोटा सा फ्लैग दिख रहा है मेरे को टॉप पे, उस पहाड़ के। छोटा सा फ्लैग लाइक यहाँ से विजिबल है, वहाँ बड़ा होगा, यहाँ से विजिबल है, तो उस पर ट्रैकिंग ज़रूर होती थी। और कैंपिंग के लिए भी यहाँ पे गार्डन्स बने हुए हैं, एज यू कैन सी। उधर गार्डन्स वगैरह बने हुए हैं, कैंपिंग कर सकते हो यहाँ पे। तो आज कैंपिंग के मूड से तो आया नहीं हूँ मैं। सुपर्ब यार, सुपर्ब। बस मिलते फिर अगली किसी जगह पे, ऐसे ही घूमने निकलेंगे कहीं और। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो। बाय।